गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने 9 दिन में 336.13 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। फैंस से लेकर सेलिब्रिटीज तक को ये फिल्म काफ़ी पसंद आ रही है। वहीं सनी देओल की सौतेली माँ और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने भी गदर 2 की जम करके तारीफ की। दरअसल हेमा मालिनी ने फिल्म देख ली है। थिएटर से बाहर निकलने के बाद पेपराजी से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने गदर 2 को लेकर के अपना रिव्यू दिया। हेमा मालिनी ने फिल्म को दिलचस्प बताया और कहा कि ये भारत और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मैसेज है। पेपराजी से बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि गदर 2 देख कर आई हूँ, बहुत ही अच्छा लगा, जैसी उम्मीद थी वैसी ही है, बहुत दिलचस्प है। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ने आगे ऐसा कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे 70s 80s के दशक में पहुंच गए हों। उस ज़माने में फिल्म के जैसा एक अलग ही दौर था। उस दौर को लेकर के वापस अनिल शर्मा जी आए हैं, बहुत ही खूबसूरती से डायरेक्शन किया है। हेमा मालिनी ने अपने सौतेले बेटे सनी देओल को लेकर के भी खूब तारीफ की। उन्होंने गदर 2 में उनके रोल को शानदार बताया। इसके अलावा उन्होंने सनी देओल के बेटे का रोल निभाने वाले उत्कर्ष शर्मा की एक्टिंग को भी सराहा और साथ ही सिमरत कौर के बारे में भी बताते हुए कहा कि यह जो नई लड़की आई है वो भी बहुत अच्छा कर रही है। हेमा मालिनी ने फिल्म के मैसेज को लेकर के भी बात की। उन्होंने कहा कि फिल्म देखने के बाद देशभक्ति के लिए और भी भावना जाग उठती है। लास्ट में मुस्लिमों के साथ भाईचारे की भी बात दिखाई है। ये भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए ही अच्छा मैसेज है। ऐसा कहकर हेमा मालिनी ने ना केवल सनी देओल बल्कि फैंस का भी दिल जीत लिया। हेमा मालिनी ने अपने सौतेले बेटे की इतनी तारीफ की, ये किसी सरप्राइज से कम नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि हाल में ही हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने भी अपने सौतेले भाई के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग रखी थी। गदर 2 की स्क्रीनिंग की सरप्राइज को देख कर के हर कोई हैरान हुआ था, जिसमें दोनों बहनें अपने भाई के जोश को बढ़ाने के लिए मौजूद थी।